हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना होता है इंटरनेशनल बायर के साथ। ये पूरा वीडियो एक सीरीज है, हाउ टू फाइंड बायर्स में क्या क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो आज हम इस वीडियो के उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां पे आपको इंटरनेशनल बायर के साथ अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे और वीडियोज आपके लिए बना सकूँ। और आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, यू कैन गिव मी अ कॉल और मैं इसे सीख भी सकते हो, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। आप प्रीवियस वीडियो भी देखना ताकि आपको और बेहतर वे पे समझ आए। देखिए, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि लोग डायरेक्ट फोन करते हैं या तो मेल करते हैं और उसके बारे में अपने बारे में बता देते कि हम इस प्रोडक्ट में डील करते हैं, अपना प्रोडक्ट कैटलॉग ब्राउशर पहले बारे में भेज देते हैं। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, तो आप यूजुअली क्या करो, रैदर देन सेंडिंग मेल्स, क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग उनको रोज मेल कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि सबसे पहले आप उनको डायरेक्ट कॉल करो। और कॉल करने के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो। आइदर कंपनी का परचेस मैनेजर है, सीईओ है आपको कंपनी का, ठीक है, अदरवाइज लाइक कंपनी का जीएम है, जनरल मैनेजर। जब भी आप किसी को भी कॉल करो या तो आप उनके रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किनसे बात कर रहे हो। अगर नहीं भी पता है तो आप सबसे पहले सिंपल ऑप्शन है उस कंपनी का, जब आप इसे भी आपने डेटा लिया या तो गूगल से सर्च कर रहे हो, उस कंपनी को आप लिंक्डइन में देखो, वहाँ पे उनका पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा। तब जब भी किसी को कॉल करोगे ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर उसके फर्स्ट नेम से उसको बुलाओ, ताकि ही नोस कि आप उनको फर्स्ट नेम भी जानते हो, रैदर देन यूजिंग लास्ट नेम। तो सिंपल सा है कि मेल करने से अच्छा आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करो। अगर नाम नहीं मिलते तो रिसेप्शन से बोलो कि दैट वी आर कॉलिंग फ्रॉम इंडिया एंड वी वुड लाइक टू कनेक्ट विथ मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी होगा तो आपको ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, रैदर देन मेल ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विथ कॉल। दूसरा आता है कि जब आप उनसे बात करोगे ना, तो प्रोडक्ट सेलिंग पे मत रहना कि मैं ये बेचता हूँ, मैं वो सेल करता हूँ, हमारा ये है, हमारा इतना एक्सपोर्ट है, हमारा ऐसा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे कॉल्स भी वो हमेशा लेते रहते हैं। आप उनके साथ इंट्रैक्शन करो कि एग्जैक्टली आप क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हो। सपोज वो कोई कमोडिटी ले रहा है किसी और एक्सपोर्टर से, तो आप यूनिक कैसे बनना चाहोगे, आप उनको बताओ कि हम ये चीज़ें हैं, तो उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट पे आऊँगा कि कैसे उनको वो अपॉइंटमेंट लेनी। थर्ड आता है कि जब आप उनसे बात करते हो ना, तो रैदर देन प्रोडक्ट खुद को इंट्रोड्यूस करो कि हम यहाँ पे हैं, हम ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं। प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आने वाली वीडियो पे प्रेजेंटेशन देखने क्या है। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हो ना, तब मेन पॉइंट पे आते हैं, छोटी सी बात थी, मेन पॉइंट पे आते हैं ना, तो अगर आप कैसे अपॉइंटमेंट ले रहे हो, अपॉइंटमेंट डजंट मीन किसी फोन पे आए और उनको जूम मीटिंग पे बुलाया। आप अपॉइंटमेंट तब लेते हो कि हम आपसे मिलना चाहते हैं आपके ऑफिस में। सपोज आप किसी ट्रेड शो पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है बायर्स का, आपको इजीली डेटा मिल जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। तब उस केस में आप उनको क्या बोल सकते हो कि हाय, माय नेम इज साइमन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, सो वी विल बी इन, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया में, कैनेडा में, सो सिंपल बोलो कि वी विल बी इन कैनेडा फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, तो हम आपको वहाँ पे मिलना चाहते हैं, सो वी वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी यू सो दैट वी कैन डिस्कस मोर अबाउट प्रोडक्ट। तो इनको सिंपल सा बात करो इतनी छोटी सी लाइन में कि हम आने वाले 3-4 दिनों के लिए या तो 1 वीक के लिए हम वहाँ पे अवेलेबल होगी, तो हमको आपसे मिलना है, और जब जाओगे तब आप अपने सैंपल कैरी करना है, तब उनको एकदम प्रोडक्ट नहीं बेचना है। तो अपॉइंटमेंट में छोटी छोटी बातें उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि सिंपल टेक्स्ट के बजाय, मैसेज के बजाय कॉल्स पे लाओ। कॉल्स पे लाने के बाद अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, उसके बाद उनको ऑफिशियल ईमेल आईडी मांगो, ताकि आपका डील रादर देन व्हाट्सएप चैट आपका एक ऑफिशियल वे पे स्टार्ट हो। जब भी बायर कभी भागता है या तो पेमेंट में इशू होता है, आप कवर भी लोगे ना ECGC, तब आपको ECGC ये सारे एविडेंस मांगती है, व्हाट्सएप का वैलिड नहीं होता है। तो सिंपल सा है कि हम आने वाले वहाँ पे मिलने, आप अपने ट्रेड शो के बेसिस पे जाओ या तो आपको पर्सनली विजिट करना है, तो एक सेटअप है प्रॉपर, कंपनी का लिस्ट निकाल के आप उनका रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो, जो जेन्युइन लगता है आपको कि उसके लास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह सब दिख जाता है। आजकल इंटरनेट पे सब दिख जाता है कि उनका लास्ट कितने ट्रांजेक्शन किए सारे, उस बेसिस पे उनको सबको कॉल करो, टाइम लो, इस डेट को मैं आ रहा हूँ, शेड्यूल बनाओ, नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि क्या प्रेजेंटेशन देना है आपको। एंड अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ भी जानना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और किसी को सीखना है तो यही नंबर है मेरा, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।